नरसिंहपुर कलेक्टर रिजू बापना ने विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत सरोवर जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा भी लिया, ग्रामीणों से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम पंचायत जैतपुर भोरा बरमान कला भामा व मनकापुर व नगर परिषद तेंदुखेड़ा का भ्रमण किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा पहुंचकर कलेक्टर ने यहां किए गए मरम्मत कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने असंतोष प्रकट किया, संबंधित से वसूली करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम पंचायत जैतपुर ढलवार में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल मिलने के बारे में जानकारियां दी। पीएचई के अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह कार्य 15 दिन के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी तालाब में जो पिछली बार कमियां पाई गई थी वाटरशेड के तालाबों में, उसमें अभी इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़ा स्लोप और बेहतर करने के लिए बताया गया है, लेकिन जो पत्थर पूर्व में अच्छे नहीं लगाए गए थे पिछली में, वो अभी सुधार कर लिया गया है और उसमें बारिश से पहले सभी तालाबों को उपयुक्त कर दिया जाएगा ताकि पानी रोकने की व्यवस्था यहाँ पर बेहतर हो। साथ ही साथ पीएचई के जो काम है जैतपुर और दिलवार और दीपकवानी, जहाँ पानी की हमेशा समस्या रहती है, तो पीएचई के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई जा रही है और पानी का घर घर पहुँचाने की ग्रीन स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है क्योंकि पानी की उपलब्धता यहाँ पर मुश्किल रहती है, लेकिन इन्होंने तीनों जगह पे सोर्स ले लिया है। जैतपुर की हमारी स्कीम कंप्लीट होने वाली है, पानी में पानी हमें मिल भी गया है, नेटवर्क भी बिछ गया है, अभी मात्र इलेक्ट्रिक कनेक्शन का व्यवस्था करनी है जो अगले एक सप्ताह में हो जाएगा।